पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बीईपी पॉइंट किस तरह से चार्ट में हमने देखा। अब इसी का एक सेकंड मेथड है जो कि फर्स्ट मेथड से किस तरह से अलग है वो हमें थोड़ा सा देखना है कि अ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट मेथड इज़ दैट वेरिएबल कॉस्ट लाइन इज़ प्लॉटेड फर्स्ट एंड देन फिक्स्ड कॉस्ट लाइन ओवर द वेरिएबल कॉस्ट लाइन। द लेटर लाइन इज़ द टोटल कॉस्ट लाइन बिकॉज इट इज़ ड्रॉन ओवर द वेरिएबल कॉस्ट लाइन एंड रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉस्ट वेरिएबल एंड फिक्स्ड एट अ वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया था कि जो फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है वो तो फिक्स एक पैरेलल के रूप में होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि जीरो है इसलिए वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, और जबकि टोटल कॉस्ट लाइन इन सब से ऊपर है। क्यों है? क्योंकि उसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही कॉस्ट इंक्लूड होती है इसलिए ये उसके ऊपर एक लाइन होती है। दिस मेथड इज़ मोर हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट for decision making because it shows the recovery of fixed cost at various levels of production before profits are realized, contributions at various levels of production are automatically disclosed in the chart. अब ये जो ब्रेक इवन चार्ट दिखाई जो दे रहा है, सम विच्छेद बिंदु का चार्ट, इस चार्ट में क्या है, ये चार्ट जो है ये बता रहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है वह पहले स्टार्ट होकर उसके बाद हमें फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की लाइन दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ हम ये देखें कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कौन से बिंदु पर आ रहा है, जब कंपनी 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है तब उसका ब्रेक इवन पॉइंट आता है, यानी कि सम विच्छेद बिंदु 30,000 जब कोई कंपनी आउटपुट दे या प्रोडक्शन करे तब वो उस बिंदु पर ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु वह कहलाएगा। अब उस सम विच्छेद बिंदु के नीचे की ओर यानी 30,000 से कम यदि कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उसको लॉस की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कंपनी के द्वारा जब 30,000 प्रोडक्शन किया जाएगा, 30,000 यूनिट्स जब प्रोड्यूस की जाएगी तब उसको मिलेगा, और जब कंपनी 30,000 यूनिट्स जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे उस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। अब ये चार्ट यही शो कर रहा है कि जो 0 to x-axis और 0 to y-axis पर x-axis पर तो आउटपुट हैं और y-axis पर कॉस्ट एंड रेवेन्यूज हैं, तो आउटपुट जब 10,000 20,000 एंड देन 30,000 पर जब आता है तब कंपनी को एक ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट आप जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु है जहां पर उस कंपनी को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। फिर उसके बाद हम ये देखें कि जब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की ओर यानी 30,000 से जब आगे की ओर कंपनी प्रोडक्शन करती है तब उस कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 30,000 से यदि कोई कंपनी 40,000 पर प्रोडक्शन करे, 50,000 पर यदि प्रोडक्शन करती है या 60,000 पर प्रोडक्शन करती है तो उस स्थिति में उस कंपनी को क्या मिलेगा, प्रॉफिट दिखाई देगा या उसको प्रॉफिट गेन होगा, अन्यथा 30,000 से कम की स्थिति में उसको लॉस हो रहा है, जबकि 30,000 से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कंपनी कर रही है तो वह प्रॉफिट को रेज कर रही है, प्रॉफिट की और गेन प्रॉफिट गेन कर रही है। अब जो थर्ड मेथड है वो थर्ड मेथड क्या शो कर रहा है कि अंडर दिस मेथड द फिक्स्ड कॉस्ट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है वो चार्ट में एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। द कंट्रीब्यूशन लाइज इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन एंड दिस लाइन गोज अप विद द इंक्रीज इन आउटपुट। जो कंट्रीब्यूशन की लाइन है वो शो कर रही है इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन की लाइन भी बढ़ती जा रही है। द सेल्स लाइन इज़ प्लॉटेड एज यूजुअल
The question of interaction of sales line with cost line does not arise because the total cost line is not drawn in this method. अब इस method में total cost line show नहीं की जा रही है. और ये method क्या कह रहा है? In this method, break-even point is that point where the contribution line cuts the fixed cost line as. अब हम इसमें देखें कि जीरो से एक्स एक्सिस पर और जीरो से वाई एक्सिस पर क्या स्थिति है कि एक तो इसमें टोटल कॉस्ट लाइन नहीं दिखाई दे रही है, हमें इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दिखाई दे रहा है, और इसमें सेल्स लाइन तो एज यूजुअल है लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन की लाइन हमें दिखाई दे रही है. कंट्रीब्यूशन की लाइन क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है. हमने यहाँ एक लाइन हम देख रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट जो कि पैरेलल है जीरो एक्स एक्सिस पर, हमने देखा यहाँ कंट्रीब्यूशन की लाइन भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है और सेल्स लाइन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है. तो फिक्स कॉस्ट तो एज यूजल है, ब्रेक इवन पॉइंट भी इसमें आपने देख लिया कि जो कॉस्ट की लाइन है और जो कंट्रीब्यूशन की लाइन है ये दोनों जहाँ मिल रही है वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाया, और जैसे जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है. तो यदि कोई कंपनी ने 10,000 का प्रोडक्शन किया है या 20,000 का प्रोडक्शन कर रही है या 30,000 का प्रोडक्शन कर रही है, तो जब कंपनी 30,000 का प्रोडक्शन कर लेगी 30,000 यूनिट्स का आउटपुट होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, और जैसे जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन भी लगातार रेज हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है. जैसे 40,000 पर, 50,000 पर एंड 60,000 पर मैक्सिमम इसको प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है. तो ये चार्ट हमें ये शो कर रहा है. फिर इफ़ द कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन द फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्रॉफिट शैल अराइज. In this example, there is a profit of 1 lakh when the output 50,000 units. जैसा कि हमें इसमें दिखाई दे रहा है, when the output is 50,000, ये 50,000, तो 1 lakh का ये यहाँ पर 3 lakh हो गया, तो 1 lakh का क्या हो गया उसको प्रॉफिट. एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट कॉन्ट्रीब्यूशन यदि 2,50,000 है, यानी कि 50,000 एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, और फिक्स कॉस्ट 1,50,000 है, तो रिजल्ट ये हुआ कि प्रॉफिट जो है कंपनी को कितना हो गया, 1 lakh का उसको प्रॉफिट हो रहा है. अब इसको यदि अरिथमेटिकल वेरिफिकेशन हम इसका करें तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फॉर्मूला है आपका ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो फिक्स एक्सपेंसेस आपका था 1,50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है आपका 5 रुपीज़, तो 30,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. और 30,000 पर ही हमने अभी चार्ट में देखा था कि जब कोई कंपनी 30,000 जब यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी तब उसको ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा. ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट है, सम विच्छेद बिंदु है, जो कि फॉर्मूले से भी 30,000 यूनिट्स ही निकल रहा है. अब हम देखें कि 30,000 जो ब्रेक इवन पॉइंट है मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस दी हुई थी 15 रुपीज़ पर यूनिट, 30,000 हमारा BEP है, तो आपका BEP सेल्स निकल जाएगी, ब्रेक इवन सेल्स 4,50,000 इन रुपीज़. इसी तरह से अब प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट व्हेन द आउटपुट इज़ 50,000 यूनिट्स, तो कंट्रीब्यूशन तो क्या हो गया 5 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 2,50,000 हो गया कंट्रीब्यूशन, और इसमें से हमने लेस कर दिया फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1,50,000, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया 1 lakh rupees. प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास में, 1 lakh rupees. अब हम देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज द एंगल फॉर्म्ड एट द ब्रेक इवन पॉइंट एट विच द सेल्स लाइन
cuts the total cost line, this angle indicates rate at which profits are being made. Large angle of incidence is an indication that profits are being made at a high rate